इनमें भी मैं चिट्टे बदमाश को बात जैसा और मैं तो आप ही बड़ा बदमाश हाँ। शरण नु आए घर लिया लग्या गैरतमंद बंदे आए खलो ना तेरी जुरत कि सिर्फ घर कदम रखन दे चल दहा जा तेने चाट मारी दा मैं मुल्क ते सा मेनू आप भी गुलफी बदमाश कहंदे तो बंदे नु थां मारन तू नहीं जांदा बंदे नु तू की थां मारना है थले बह तुसी नचण वाले की समझदे तुसी शरीफ जादे हैं वो साडे नालों बहुते भैड़े तुसी हैं नचण वाले तुसी गैरतमंद नहीं है तुसी नचण वालियां नूं जाके वेंदे हो आई समझ ओ ताडे वर्गे की शरीफ जादे ने ताडे वर्गिया की वजह तो एक नचण वाली बनी है आई समझ चाची जी वेखो ना सारन मारी बी बाई नी मारन है तो रन मुरी लैके आए चाची अबू ने भी मार दी चार मैं मेरे घर चल मेरे भरा मेरे बाप एडे अच्छे ने बहुत शरीफ ने मैं ए एक शरीफ वेखण आई सा कि शरीफ इंसान किस तरह के होंगे ने तुसी ये दसो भी ये जड़े कंजर होंगे ये भला किवें मन इस गल तुहानू पता है ये असी लोग जेडे असी वडेरे होंगे असी इन्हों इस काम करन ते मजबूर करते हैं ये मजबूर होंगे ठीक है असी इन्हों पैसे के लालच दे के कोई भी लालच दे के असी इन्हों कंजर बना दें तुहानू गैरत नहीं आई ये काम करन लगे अपने घर इन्होंने मोबाइल रखी है मुड़े गहरा तो साढ़े तुसा किसी हद तक ठीक किया लेकिन ये इस टाइम तुम काम ना करना चाहिए पुत थोड़ा कमला उसका कोई कसूर नहीं क्योंकि उसका काम में कंजरी है किसी आखना उस वग जाऊ तो यह जरा लैके आया हो तो क्यों ना तो जो लैके आता किस नीयत लैके आते मैं बड़ी अच्छी नीयत ना लैन दिया मेरी तो इना रेडी कार्ड सती है चंगा भला काम जा सकते आई ये भी इंसान होंगे न तो आज तो बाद ही काम नहीं करना पहली गल तो भी इसे काम नहीं करना तो जे अगर हो भी जाए तो इस गल सोचना है ठीक है भी ये कंजर कौन है तो इन्हों की असल हकीकत की है तुम बंदे इवें बंद कंजर के गाल पा जाते क्यों पाते हो साड़ी भी इज्जत होंगी है मैंने पता है तू मेरा बिना है लेकिन ये मेरा इस टाइम प्यार है ठीक है उस तू पुछो जे अगर मैं उस नाल प्यार कर सकता तो तेरा पोतरे वो भी कर सकता है ठीक है तो ये अगर तू तो गलत गल बिल्कुल नहीं करनी चल जान चलिए खुश हैं और बाजिया खुश हैं लाख लाना तो लैके तो आया उन्होंने तो इतनी गहरा थी आज तो उस तंजरी एक तेरे बिरा दे तेरे पोतरे उस कपड़े पा दे तेन लीलो लीलो ली कर जो कमी ने तू मेरा काम ही मंजाया ते दुनिया दा ही मंजाया यो कोड़िया हड्डू बगैरा ते बगैरा रह गए तुसी प्यो केड़े दी औलाद हो अगू मेरा कोई ए प्यो शो नहीं चाहे दा वास्ते घर रहना ही नहीं चाहे दहो जा अस्सलाम वालेकुम मैं हूं आपकी अपनी सदक चौधरी स्टेज आर्टिस्ट और ये है बाकी जमल HD की टीम आप देख रहे हैं जमल HD इसे सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना मत भूलिए आज की स्टोरी हमारी जो है एक तवाइफ पे है तवाइफ कैसे बनती है
शरीफ जादे कैसे उसे बनाते हैं तवाइफ और शरीफ जादे कैसे उसकी इज्जत उछालते हैं। और ये एक कहानी है सच्ची। और यार तुसी मैनूं एक गल दसो, जेड़े साडे बिरा वेखण वाले बैठे ना भाई, आ वेखो मेरे उन्हां चोले दी केड़ी हालत कर दित्ती है। सिर्फ असीं तुहानूं खुश करन वास्ते इन्ना सारा कुछ करदे आ। यार तुसी साडा छोटा जिहा काम नहीं करदे, सबसक्राइब करना होंदा है, तुसां घंटे बटन नूं आल करते करना होंदा है, तुसां रोजाना दी साडी एक वीडियो वेखणी होंदी है। इंशाल्लाह असीं तुहाडे नाल वादा करदे आ कि हर नवीं दी नवीं स्टोरी असीं तुहानूं रोजाना आ के दिसां है, और डेली तुसां वेखणी है, तुसीं सानूं वादा करना क्योंकि तुसीं सानूं कमेंट विच दसना है। शरीफ होने का इन्होंने अपना हक अदा किया है। ए साडे भाई जादे भी हैं, ए साडे भाई नुरासे वाली दी स्टोरी लिखी हुई है इस्लामाबाद वाले दी, ए ओंदी वास्ते असा स्टोरी लिखी गई है, लेकिन सारे ब्रावा ए रल के देखनी भी है। तेरे सारा तोड़ी वास्ते पाक फौज जिंदाबाद।